हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, जोरदार बहस में डीएम ने निकाली अफसल अंसारी की हेंकड़ी। अच्छा, अगर आपको वो नहीं पता, उसको वो दूसरा वाला जो अंसारी है जो जेल में था, उसकी डेथ हो गई है। तो उस पर मैंने कई जगह पे देख रही हूँ कि लोग जो है उसको मसीहा से कंपेयर कर रहे थे। उनको लगता है कि वो बड़ा ही मतलब उनका, अगर किसी इंसान ने क्राइम किया है तभी जेल गया है। एग्जैक्टली राइट। अगर आप क्रिमिनल हैं, आप जेल गए हैं, तो उसी से करेक्टर पता चल जाता है, यू आर अ क्रिमिनल हु वेंट टू जेल। और तुम लोग जो उसके सपोर्ट में बोल रहे हो, वो तुम किस टाइप के हो गए, उस पे भी फिर सवाल उठते हैं। ये सारा रिलीजन बेस्ड प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जैक्टली, वो उनको यही लगता है कि भैया जस्ट बिकॉज वो हमारे रिलीजन का है, दूसरे हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो गंदा आदमी था ही नहीं। एक पहले भी तो वो कौन था, वो उसको भी उस टाइम भी उस सब ये इकट्ठे होके बस ये सब बोल रहे थे। एक बात समझनी चाहिए कि जो इंसान जेल में गया है वो हीरो नहीं है। हाँ। वो क्रिमिनल है। और उसकी उसकी डेथ पे अब जो है इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं जैसे पता नहीं वो कौन था। हैरानी हो रही है देखकर ये सब कि भैया चल क्या रहा है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। 28 मार्च की रात 8:30 बजे मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और आज 30 मार्च को मुख्तार अंसारी को दफन भी कर दिया गया, लेकिन मुख्तार का परिवार ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई। मुख्तार के परिवार का कहना है कि उसे जहर देकर मारा गया, लेकिन जो डॉक्टर मुख्तार का इलाज कर रहे थे और जिन डॉक्टरों ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मौत का कारण हार्ट अटैक ही था। और यही कारण है कि मुख्तार के जो समर्थक हैं उनके भीतर गुस्सा भरा है। यही कारण है कि मुख्तार की मौत के बाद लगातार मुख्तार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक और घटना घटती है जिसमें मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर की डीएम से ही भिड़ जाते हैं। मौका था मुख्तार की अंतिम यात्रा का और भीड़ का आलम यह था कि सड़कें लोगों से पटी थी और भीड़ हुड़दंगी करने पर उतारू थी। इसे लेकर प्रशासन को इस भीड़ पर काबू करने में से दिक्कत हुई और लाठी चार्ज भी इस भीड़ पर करना पड़ा। और इस भीड़ को लेकर अफजाल अंसारी गाजीपुर की डीएम आर्या काकोरी से ही भिड़ पड़े। कुछ भी हो, हम हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। ये नोकझोंक इतनी तीखी हो गई थी कि यहाँ तक बात आ गई कि जो करना है वो कर लीजिए, ये शब्द थे अफजाल अंसारी के। डीएम का कहना था कि धारा 144 लगी है तो भीड़ को कम किया जाए, इस भीड़ पर काबू पाया जाए, लेकिन अफजाल अंसारी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन डीएम आर्या का आखोरी भी पीछे नहीं हटी और भीड़ को कब्रिस्तान में जाने नहीं दिया और लाठी चार्ज कर वहीं से उसे खदेड़ दिया। और डीएम उड़दंगियों को खदेड़ने में सफलता भी पाई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि मुख्तार को दफनाने के बाद जब अफजाल से बात की गई तो उन्होंने माना कि हाँ, भीड़ उड़दंगी करने पर उतारू थी। कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे ले, कल दे ले, जब चाहे आके फातिहा पढ़ ले। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी लोग है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं। पहले तू खुद ही कर रहा था, पलट गया। अब वो तो बाद में बात करेंगे। कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे ले, कल दे ले, पहले तो वहाँ पे यही था। फातिहा पढ़ ले, मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी लोग है, जब पता चला मैं फंसूंगा तो पलटी खा ली। ये मुनासिब नहीं। आगे 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 कैसे, किसी में क्या कार्रवाई करेंगे। अब वो तो
बाद में बात करेंगे। अफजाल अंसारी ने माना है कि इस तरीके की हुड़दंगी नहीं की जानी चाहिए। लो इज लो। और अब ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है, क्योंकि आदेश लखनऊ से था और व्यवस्था एकदम टाइट थी। पुलिस ने इन हुड़दंगियों की वीडियोग्राफी करवाई है और जो लोग भी मुख्तार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे उनका भी अब इलाज जल्दी किया जाएगा। वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है, तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिस जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। गाजीपुर डीएम ने बताया कि जिसने भी उड़दंगी की है, नारेबाजी की है, सबको सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि इन सब की वीडियो बना ली गई है। लेकिन जिस तरीके से अफजाल अंसारी डीएम से बहस के बाद बैकफुट पर आए हैं, तो उसे लगता है कि उन्हें समझ आ गया कि अब पहले की सरकारों की तरह कानून से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब कानून के साथ तो लाठीचार्ज भी किया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, वो चाहे मुख्तार के रहनुमा ही क्यों ना हो या फिर कोई हुड़दंगी ही क्यों ना हो। तो जिस तरीके से डीएम आर्या का अकूरी ने अफजाल अंसारी की हेगड़ी निकाली है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। डीएम ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी ड्यूटी थी, उसने अपनी ड्यूटी को पूरा निभाया है। जो रूल था उस टाइम, लॉ लगा हुआ है, अगर लॉ बोल रहा है उस टाइम कि इतने लोग इकट्ठे नहीं होने हैं तो मतलब नहीं होने हैं। और जैसे वो पहले आके उससे आर्ग्यू कर रहा था डीएम के साथ, कितना मेरे को देख के शॉक लग रहा था कि दादागिरी देखो, कि अपने आप को सोचना कि हम लॉ से भी ऊपर हैं, लोगों को इकट्ठा करके बोल सोचो कि पता नहीं हमें कितनी पावर आ गई है, सब वो खत्म होगी उसी टाइम। देखा, लॉ के सामने झुकना पड़ा। अब खुद को भी डर लगा होगा कि भैया मैं मेरे साथ कुछ एक्शन ना हो जाए, जिस तरह से मैंने कहा, तो उसने पलटी खाई जैसे ये बोल रहे थे, बिल्कुल पलटी खाई। और लोग जो आए हैं नारे मार रहे हैं, हैं उनकी मेंटालिटी देखो, वो नारे मार रहे हैं और उसके बाद उन्होंने लॉ ब्रेक भी किया है, कह रहे हैं हुदड़ंगी जो भी बोलते हैं वो बन के उन्होंने वहाँ पे कोशिश की है कि हम वहाँ पे थोड़ा वॉयलेंट होके वॉयलेंस क्रिएट करें या उस टाइप से करें, तो उसे सारा दिख ही रहा है कि किस टाइप के वो लोग हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, मेन पॉइंट ये है कि कोई इंसान जो शायद वहाँ का गुंडा माना जाता है और वो गुंडे को क्राइम करता है, पकड़ा जाता है, जेल होती है उसे, तो वो मॉरली करेक्ट इंसान नहीं है। अब उसको अगर कोई रिलीजन वाले अपना रिलीजन देख के ग्रेट मानते हैं तो ये अनपढ़ता इसे नज़र आती है कि अनपढ़ लोग हैं जिनको ये कौन सा समझ नहीं आया कि एक इंसान ने मॉरली इनकरेक्ट काम किए, जेल गया हुआ है, सज़ा काट रहा है, ही इज़ नॉट अ हीरो, वो तुम्हारा हीरो नहीं है, उसने बुरे काम। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे भी इस तरह के गैंगस्टर बने, तुम्हारे बच्चे भी जेल जाएं? तो गोलगे नहीं, तो वही तो पॉइंट था सारा। जब तुम चाहते नहीं हो तुम्हारा बच्चा भी वैसा बने तो इसका मतलब वो मॉरली करेक्ट नहीं था, उसको हीरो क्यों बना रहे हैं? आई डू नॉट नो। ये सब जो है लोकल वहाँ के लोग हैं जो ये सब कार्य करते हैं, कम्युनिटी में उनका कंट्रोल है और लोगों को बोलते हैं आप ये सब काम करिए, और रिलीजन के नाम पे गवर्नमेंट से और लॉ एंड ऑर्डर से टक्कर लेनी ठीक नहीं होती, क्योंकि जो इस तरह चिल्ला रहा था उसको जेल हो सकती थी, वो भी जेल जाता दो चार दिन बिकॉज ऑफ डिसरप्शन। तो उससे समझ आया कि ऐसा नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर से तुम नहीं कर सकते। अगर रूल है इतनी बड़ी गैदरिंग से पहले आपको परमिशन लेनी है, यू हैव टू टेक द परमिशन, नहीं लोगे परमिशन तो यही होगा। फिर पुलिस ने अच्छा किया, लाठी चार्ज किया, क्योंकि पुलिस तो बोलेगी ये कैमरे में है, तुम क्राइम कर रहे हो, लाठी चार्ज से लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है। बड़ा अच्छा किया उन्होंने, और अच्छी बात है कि वहाँ पे योगी जी हैं, ताकि फुल सपोर्ट मिल रहा है पुलिस को, उनके पास वो पावर है कि करेक्ट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। अब कह दिया कैमरे से इन्होंने इनकी फोटोएं ले ली हैं, वो भी गुस्से में थी डीएम, वो कहती है मैंने तुम्हें उनको तो गुस्सा था कि वो दूसरी बारी तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, कह रहे हमने कैमरे में से ले लिया है, अब एक एक को पकड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, तभी इनमें इनको अक्ल आएगी। तो चलो यार, अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।